हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। सो मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे एक बार फिर से। और सबसे पहले बहुत 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 थैंक यू आप सब लोगों को मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए और इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आज की ये वीडियो, जैसे हम लोग चाय पे चर्चा समझ लो, एक छोटा सा डिस्कशन समझ लो कि जैसे मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे लोगों की वाइफ कहीं दूर जाके जॉब करती है, बहुत सारों के हस्बैंड दूर जॉब करते हैं, इवन हस्बैंड वाइफ नहीं तो बीएफ जीएफ वगैरह भी सब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आजकल बहुत यूजुअल हो गया है। तो मेरे को काफ़ी कमेंट आए थे इस बारे में कि आप प्लीज़ इस बारे में भी वीडियो बनाएं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में खुद को कैसे मोटिवेट रखें। ये वीडियो उसी के बारे में है, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस बारे में। सी गाइज, कोई ना रामबाण नहीं है, देयर इज नो स्टेप बाय स्टेप कि आप ये 1 2 3 4 5 चीज़ें आपको बता दी, आप ये कर लो, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत परफेक्ट होगा। यहाँ पे कोई टिप्स नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। एक छोटे छोटे चेंजेस आप अपने बिहेवियर में और आप अपनी लाइफ में और आप अपनी थॉट्स में लेके आ सकते हो, जिनसे ये चीज़ें ना थोड़ी सॉर्टेड हो जाती हैं। ऑफकोर्स इट्स ए वेरी पेनफुल, जब स्टार्टिंग में जब आप लॉन्ग डिस्टेंस शुरू करते हो ना, तो वो बहुत मुश्किल होता है शुरुआत वाला फेज। अदरवाइज धीरे धीरे आप चीज़ों के साथ में एडजस्ट कर जाते हो और आप समझने लगते हो। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी सोच है लॉन्ग डिस्टेंस को लेके। फॉर एग्जांपल, अभी अगर आपने मर्चेंट नेवी वाला, अगर आपके हस्बैंड है मरीनर, आपके हस्बैंड है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि यार लॉन्ग डिस्टेंस उस इंसान के साथ में मिला है, बट वट मैटर्स ना वो पर्सन मैटर करता है। कैसा होता है ना, हमारी लाइफ में ना हर एक रिश्ते की ना अपनी एक जगह होती है, एक इम्पोर्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे मम्मी पापा हैं, चाहे दूसरा कोई भी इंसान कितना भी हमसे प्यार करता हो, कितनी भी हमारी केयर करता हो, कुछ भी करता हो, उनकी जगह लाइफ में कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं मतलब कोई नहीं ले सकता, दिस इज़ फॉर श्योर। ऐसे ही होता है हस्बैंड और वाइफ का, मतलब डजेंट मैटर आपकी लाइफ में कितने अच्छे इंसान हैं, आपकी लाइफ कितनी फेबुलस है, बट इन लोगों की जगह भी कोई नहीं ले सकता। जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो एक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है हस्बैंड की और वाइफ की एक दूसरे के साथ में, देयर इज नो डाउट। और सब लोग इस बात को लेते हैं ना, उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। एक हस्बैंड की अपनी एक प्रायर जगह होती है, ऑब्वियसली जैसे हमारे मम्मी पापा की होती है, हम उनसे डिफरेंट लेवल का, जैसे हमारे मदर फादर की कोई जगह नहीं ले सकता, ऐसे ही हस्बैंड की होती है। चाहे आपके पास कितनी भी फैबुलस लाइफ हो, तो वो कोई नहीं ले सकता है। जब आप एक दूसरे से दूर रहते हो, रीज़न कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग जॉब की वजह से दूर जाते हैं, कुछ लोग एक्स वाई जेड, मैक्सिमम तो जॉब ही होता है ऑब्वियसली, अपने प्रोफेशन की वजह से लोगों को जाना पड़ता है, तो ऑब्वियसली वो जो मिसिंग पार्ट होता है ना, वो सबको मिस होता है। और अगर आप ऑलरेडी ये मोटिवेशन की वीडियो देख रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मेनटेन करने के लिए, तो यू गाइस यू आर डूइंग ऑलरेडी योर बेस्ट टू मेनटेन दैट। ऑलरेडी आप उस बारे में इतना सोच रहे हो कि आप वीडियोज जाके सर्च कर रहे हो और आप देख रहे हो, तो ऑलरेडी यू आर गिविंग योर बेस्ट उस रिश्ते में, बिकॉज यू नो दैट इम्पोर्टेंस। आप सिर्फ ये चाह रहे हो कि मुझे कैसे भी करके ना ये रिश्ता बहुत अच्छा चलाना है, और बिकॉज आप हैप्पी हो, और हैप्पी होना ही सबसे इम्पोर्टेंट है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ना। कुछ टिप्स मैं, मतलब जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ स्टाइल में हम बदल के, हमारे माइंड सेट बदल के हम अगर ट्राई करें, तो बहुत अच्छा रिलेशन चल सकता है। ऑफकोर्स मतलब आसान नहीं है इन चीज़ों को मेंटेन करना, बिल्कुल भी आसान नहीं है, बट ये ज़रूर आपके लिए वर्क करेगा, एंड आई होप सो आप लोग भी इस चीज़ों को जरूर। नंबर वन ये होता है कि आप ना चीज़ों को बिल्डअप मत होने दो। द मोमेंट यू फील समथिंग नो, चाहे आपको वो अच्छा लग रहा है चाहे वो आपको बुरा लग रहा है, दोनों ही केसेस में आप उन चीज़ों को अपने अंदर मत रखो, जस्ट शेयर इट विद ईच अदर। चाहे किसी बात पे आप एग्री नहीं कर पा रहे हो, उसमें आपको चाहे आर्ग्यू करना पड़े, लेट द डिस्कशन हैपन। आप चीज़ों को बिल्डअप मत करो, आपको कोई चीज़ बुरी लगी है, कोई चीज़ अच्छी लगी, इवन तो अप्रिशिएशन में भी आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ उनकी, उन्होंने कुछ एफर्ट डाले हैं जो नेक्स्ट पर्सन है, तो आपको उसको भी अप्रिशिएट बिल्कुल इक्वली करना चाहिए। अगर आप बुरी चीज़ों को लेके उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हो, तो अप्रिशिएट भी उतना ही करो। मुझे ऐसा लगता है दिस विल डेफिनेटली वर्क। तो ट्रांसपेरेंसी जरूर अपने दोनों के बीच में होनी चाहिए, कि और प्लस ये नहीं सोचना चाहिए यार पार्टनर के साथ में कि मतलब ये बात मैं क्या ही बताऊँ, अभी ये चीज़ मैं इनके साथ में क्या ही शेयर करूँ, कि
मतलब ऐसा नहीं फील होना चाहिए यार, अदरवाइज धीरे 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 ना वो कनेक्टिंग वाला जो सिस्टम है वो धीरे 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 ऐसा लगता है कि अब क्या ही बात करूँ, अब बात ही खत्म होगी, अब क्या ही बोलूँ, ये क्या बात बताऊँ, इतनी छोटी सी तो बात है, अब क्या शेयर करूँ, अदरवाइज आप ना कनेक्टेड फील करना बंद कर दोगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ना बिल्डअप मत होने दो, जो भी है आप शेयर करो। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो ना तो थोड़ा थोड़ा सा ना फ्रेंड्स की तरह बिहेव करना बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड वाइफ बनने से पहले ना कि टिपिकल हस्बैंड की तरह बिहेव करो, टिपिकल वाइफ की तरह बिहेव करो, उससे पहले ना एज ए फ्रेंड्स बात करना मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे ना हम सब अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कुछ ही परसेंट लोग होंगे जो डेली अपने दोस्तों के साथ मिल पाते होंगे, बात कर पाते होंगे, जो उनके बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम अगर 10 दिन में भी अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो हमें ऐसा फील नहीं होता है कि यार कितने दिनों बाद बात की है। तो वो जो है ना फ्रेंड्स की तरह बोल देना सब कुछ बिना किसी हिचकिचाहट के, और वो जो फीलिंग होती है ना कि जस्ट यू नो बात कर ली, सब मन हल्का हो गया, वो जो अच्छी फीलिंग है ना, ये चीज़ें ना कभी ख़त्म नहीं करनी चाहिए यार। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स की तरह रहो और चीज़ों को ना दोनों ही साइड से, जो अगर कोई बंदा कुछ शेयर कर रहा है तो उनको दूसरे एंगल के तरीके से सोचने के बजाय जैसा वो बोलना चाह रहा है ना, कि वो उसको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कनेक्टेड करूँ तो अगर आज मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड से बात करूँ, अब इवन दो आई एम वेरी बैड इन कीपिंग टच, मैं बहुत बहुत बेकार हूँ उन चीज़ों में लेके, मैं डेली कभी नहीं अपने दोस्तों से बात कर सकती हूँ, मेरे बस की बात ही नहीं है वो। सो अगर मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड को 6 महीने में भी कॉल कर रही हूँ तो इट्स लाइक कि यार कल ही तो मिले थे जैसे, ऐसा लग रहा है। और जो भी मन में जो भी हुआ, जो भी मन में था, जितना भी था, जो भी था, फ्रस्ट्रेशन था तो अच्छा हुआ, तो कुछ ये हुआ, तो वो हुआ, तो वो सब उनके साथ में शेयर करो। तो ये सब भी ना हस्बैंड वाइफ का भी ना थोड़ा सा वैसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। आई डोंट नो आई एम राइट और नॉट, बट मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स की तरह अगर ज़्यादा रहते तो कुछ बहुत ज़्यादा हद तक इजी हो जाता है लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन करना। ओके जरूर हो, और ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल हर एक चीज़ के लिए ना रिस्ट्रिक्ट मत करो एक दूसरे को, जैसे मतलब अगर नेवी वालों की मैं बात करूं तो अगर वो ही कम्स बैक, या कहीं आपके हस्बैंड आर्मी वगैरह में है, जब वो छुट्टी लेके आए तो उनको भी लेट देम अलाउ टू स्पेंड टाइम विद देयर फ्रेंड्स एज वेल। आई अंडरस्टैंड ऐसा होता है कि यार ऐसे फिर आती है कि मतलब अभी आए हैं छुट्टी लेके तो मेरे साथ रहे, मेरे साथ घूमे फिरे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, ये करें वो करें। तो ऐसे ना दोनों पे अप्लाई होता है कि आप अपनी वाइफ को भी उतना ही अलाउ करें फ्रीली, कि उसको उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है, थोड़ा सा उसको भी इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट ना करें और ना ही अपने हस्बैंड को आप करें। सो गाइस एक फैक्टर मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, वो क्या है कि सिर्फ पार्टनर 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 चिल्लाने से बेटर है ना लाइफ में कुछ दूसरा गोल भी ज़रूर होना चाहिए। वो आपकी हॉबीज हो सकती हैं, वो आपकी करियर गोल्स हो सकते हैं, वो आपका कुछ भी पैशन हो सकता है, कुछ ना दूसरा गोल भी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ वो मेरे लिए ये करे, 24 घंटे आप उसी के बारे में सोचते रहो, यही चीज़ जपते रहो कि फ़ोन नहीं आया, बात नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको अपने एफर्ट्स ना जो चीज़ आपके लिए फर्दर वर्क करे इन फ्यूचर में वहाँ आपको ज़रूर डालनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इंस्टेड ऑफ कि मतलब पूरा दिन सैड होके बैठे रहो, कुछ मतलब वो एक होता है ना कि दुखी आत्मा टाइप, वैसा नहीं बन के रहना चाहिए यार। लाइफ में खुद के भी पर्सनल गोल्स भी होने चाहिए, पर्सनल हैप्पीनेस होनी चाहिए, पर्सनल चॉइसेस भी होनी चाहिए ऑब्वियसली, तभी आप ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक पाओगे। टिकना इन द सेंस कि निभाते तो यार सब है, मैक्सिमम लोग निभा ही लेते हैं, चल तो सब का ही जाता है, बट एक स्पार्क वाला रिलेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसमें दोनों साइड से एफर्ट डालने पड़ते हैं, एक साइड से कुछ नहीं होता, बट अगर आप हर टाइम यही जपते रहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपके ना दूसरे गोल्स होना भी बहुत ज़रूरी है, खुद को ना बिज़ी रखो, कहीं ना कहीं ज़रूर बिज़ी रखो, जो आपका फर्दर आपका फ्यूचर भी डिसाइड करे, ठीक है। एक मैं और ट्रिक बताती हूँ, ये स्पेशली मर्चेंट नेवी वालों के लिए होती है। शुरुआत में ना जब कैसा होता है ना, जब शादी होती है तो इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। हम जनरली कैसा होता है ना, जब हम किसी क्लब में डिस्क में कहीं जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ पे क्या अलग होता है, गाने बज रहे होते हैं और खाने पीने का होता है सब सिस्टम। तो
तो ये चीजें तो घर पे भी हो सकती है, बट क्या उस लेवल की हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट हमें होती है? नहीं होती है, बिकॉज वो सारा का सारा माइंडसेट का खेल है। अब हमारा माइंडसेट होता है कि वहां पे जाके हम ना एंजॉय करेंगे, दैट्स वाई हम ऑटोमेटिकली हम इतने एक्साइटेड और इतने हैप्पी हो जाते हैं। तो यहाँ भी ना सारा खेल माइंडसेट का है। अभी जैसे क्या होता है, अगर मैं यू काउंट करने बैठ जाऊँ कि 6 महीने यहाँ घर पर रहते हैं, 6 महीने बाहर चले जाते हैं, आधी जिंदगी तो ऐसे निकल जाएगी, अभी बचा ही क्या, अभी 3 महीने बाद फिर चले जाएंगे, अगर ऐसे आप गणित लगाने लग गए ना, ट्रस्ट मी गाइस, कभी नहीं खुश रह सकते। तो ये मैथ्स तो कभी मत लगाना। मेरी तो पर्सनल ट्रिक ये है, अगर किसी मंथ का फर्स्ट डेट शुरू हो गई है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अप्रैल है, अगर आज 1 तारीख हो गई तो मैं ये सोचती हूँ अप्रैल तो गया, जैसे महीना शुरू हुआ अप्रैल तो गया, कि वो अभी आने वाले हैं अप्रैल तो गया। तो आपको अपने ना खुद को मोटिवेट करने के तरीके ढूंढने पड़ते हैं, और चीज़ों को इतना ज़्यादा मत इफेक्ट होने दो खुद के माइंड के ऊपर कि आपके पास दूसरा कुछ है ही नहीं। मतलब खुद के कुछ गोल्स रखो यार। सी आफ्टर बेबी तो एनीवे आपके पास टाइम बहुत कम बचता है, बच्चे आपको इतना बिजी कर देते हैं कि आपके पास ये चीज़ें सोचने के लिए वैसे ही बहुत कम टाइम होता है। प्रॉब्लम सिर्फ न्यूली मैरिड लोगों के साथ में हो जाती है, क्योंकि तो उस टाइम पे एक्सपेक्टेशंस थोड़ी अलग होती है, वो मोड थोड़ा अलग हो जाता है, एंड दैट इज़ वेरी जेन्युइन एज वेल। वो कहते हैं ना, अगर आपकी एब्सेंस का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो आपकी प्रेजेंस से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ना ही चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, बट उसको मेंटेन भी करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सर्वाइव भी तो करना है। ये ना गाइज आप लोगों के लिए भी है, जब आप लोग दूर होते हो ना, तो आप लोगों को भी ना इक्वली अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी पार्टनर के जो जो भी किसी भी फील्ड में वो ग्रो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अगर आपकी वाइफ कुछ भी कर रही है, फॉर एग्जाम्पल वेट लॉस के लिए ही कुछ कर रही हैं, उसमें भी अगर उनकी कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो आप उन चीज़ों को भी थोड़ा सा सीरियसली लेके उनको अप्रिशिएट करोगे, तो वो उनमें और ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी और उनको और ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी, आपका जीवन भी और ज़्यादा सुखी होगा। सो ये सारे पॉइंट्स आप मुझे जरूर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कपल है, अब बंदे को ठंडी जगह बहुत पसंद है, हिल स्टेशन वगैरह बहुत पसंद है, हो सकता है वाइफ को बीचेस बहुत पसंद है। सो दोनों की चॉइसेस की ना थोड़ी रिस्पेक्ट करो, कोशिश करो कि अगर एक बार आप हिल स्टेशन वगैरह पे घूम के आए हो, तो कोशिश करो नेक्स्ट टाइम आप जरा बीच पे जाओ, ताकि उसका भी इंटरेस्ट बना रहे और वो भी सेम इंटरेस्ट ले आपकी पसंद की जगह पे। तो ये चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो आप लोग थोड़ा सा लाइफ में रिवॉल्व करोगे ना, लाइफ में इन्वॉल्व करोगे, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है यार। लॉन्ग डिस्टेंस लिटरली आसान नहीं होता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बट आप थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में सोचो और इन चीज़ों से बाहर निकलोगे ना, कि हाँ उसके परे भी दुनिया है, करने को बहुत कुछ है, तो और ज़्यादा आसान हो जाता है कुछ भी करना। सो गाइज अब मेरे यही थॉट्स थे इसको लेकर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं ऐसे ही चाय पे चर्चा टाइप वीडियोज़ लाती रहूँगी जैसे जैसे मुझे ख्याल आते रहेंगे, लोग मुझसे पूछते रहते हैं, और जनरली हर नेवी वाले की बीवी ने ये झेला होगा, बहुत बार सुना होगा लोगों से कि यार क्या ही है, मतलब आधी जिंदगी तो जहाज पे निकाल देते हैं, क्या ही होता है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस कर लो ऐसे टॉक्सिक लोगों से, मैं बिलीव नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा टच में रहना, क्योंकि हमारा मोटिवेशन डाउन कर देते हैं यार। मतलब कितना ही हम इनको अपोज करेंगे, कितना ही चाहेंगे, तो थोड़ा सा ठीक है, हर कोई आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता है। अगर आप फिर भी इनके सामने अपनी फीलिंग्स कभी बता रहे हो, तो आप ही बेवकूफ हो, क्योंकि आप खुद को जानबूझ के डीमोटिवेट कर रहे हो, वहाँ से मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है। ऑब्वियसली इंसान है, बुरा लगता है, फीलिंग्स बाहर आ जाती है, बोला जाता है, कभी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है तो इंसान किसी के सामने भी बोल देता है, दैट इज़ वेरी बेसिक, दैट इज़ वेरी नॉर्मल, बट धीरे धीरे समझ जाओगे, धीरे धीरे सब मैच्योरिटी आ जाती है, किसके सामने बोलना है, किसके सामने नहीं बोलना है, मैं खुद को कैसे खुश रखूँ, कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है। सो ये छोटे छोटे सीक्रेट्स होते हैं एक अच्छी खासी रिलेशनशिप के लिए। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ में। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।